हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही इजीएस्ट एंड सिंपल तरीके से लूज प्लाजो, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है वेयर करने में और बहुत ही इजी होता है बनाने में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आए, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले हमने कपड़े को एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई में फोल्ड किया हुआ है। ये करने के बाद में अब हमने क्या करना है, प्लाजो का चौड़ाई लेना होता है। सबसे पहले साइज नाप लेना है। साइज नापने के बाद में हमने क्या करना है, 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी होती है, क्योंकि इसमें सिलाई भी हमारी जाएगी और इसकी आसन की चौड़ाई भी जाएगी। आसन की जो चौड़ाई हमने रखनी है वो 2.5 इंच की रखी हुई है और लंबाई जो हमने रखनी है वो हमें रखनी होगी 15 इंच की। इसमें क्या होगा 15 इंच में, कि जो हमारा ऊपर से नेफा के पास से है वो भी फोल्ड करने के लिए आ जाएगा, नीचे से हम जो सिलाई करते हैं वो भी करने में आ जाएगा। एग्जैक्ट हमारा ये बचने वाला है 13 इंच का। तो अब चलिए इसको मिला लेते हैं, चौड़ाई और लंबाई दोनों आसन के हिस्से पे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमको एक लाइन ड्रॉ करना होता है। ये हमारी आसन की चौड़ाई होती है और लंबाई जो हमने ली हुई है 15 इंच की। अब इसको हमें चौड़ाई तक मिला देना है। अब यहाँ पर हमें गोल का शेप दे देना है। यहाँ पर जब भी हम आसन का या फिर गले का आर्मोल का शेप देते हैं तो आप इस तरीके से शेप दे दो, बहुत ही इजीएस्ट बनता है। तो अब यहाँ पर हम प्लाजो का नीचे का बॉटम का हिस्सा ले लेते हैं। बॉटम का हिस्सा जो होता है, अगर आपको जितना पहनना है उससे 1 इंच बस प्लस करना होता है, क्योंकि ये सिर्फ सिलाई में जाता है। तो यहाँ पर हमने 15 पहनना है प्लाजो का नीचे बॉटम का हिस्सा, और उसमें हमने 1 इंच प्लस किया। ये प्लस करने के बाद में जो आसन का हिस्सा है वहाँ से हमको स्केल को इस तरीके से रखना होगा और प्लाजो की साइज जहाँ पे हमने बॉटम की रखी है वहाँ तक मिला देना है कुछ इस तरीके से। इसमें गाइस कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर आप मुझे पूछिएगा, इसलिए मैं क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया है। अब इसको हमने जिस हिसाब से मार्किंग की है उसी हिसाब से हमें कट करना होगा। तो यहाँ पर हमने अब इसको कट कर लेना है फटाफट। बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ला रही हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी और तरीके की वीडियोस चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आने वाली है वीडियो, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और आप लोगों के लिए कंफर्ट भी, डेली यूज़ के लिए भी, तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। तो ये हमने जैसे मार्किंग की थी वो कट कर लिया हुआ है। अब उस पर से हमारा ये जॉइंट वाला हिस्सा है इसको भी कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दो पैर का हिस्सा हमने कट किया हुआ है तो ये अलग अलग हो चुका है। अभी हमारी प्लाजो की कटिंग हो चुकी है, बाकी अब मैं इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा एक पैर का हिस्सा प्लाजो का और ये है हमारा आसन का हिस्सा। इसको हमने म्याने लगाना है। म्याने किस तरीके से कट करते हैं वो अगर आप चाहोगे तो मैं उसकी अलग से वीडियोज बना दूंगी। यहाँ पे जो म्याने को लगाना चाहे तो लगा सकता है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकता है। इससे क्या होता है, जैसे आप थोड़ा सा फैलाव होता है आसन के पास से, वहां से इसका कपड़ा स्ट्रेच नहीं होता है, तो इस वजह से हमने म्याने लगा देना होता है। तो एक साइड लग चुकी है, अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें लगा लेना है। एक ही पैर में हमें दोनों म्याने का यूज करना है। जब ये लगा लेंगे उसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फटाफट दूसरा हिस्सा भी ज्वाइन कर लेते हैं। म्याने किस तरीके से जोड़ते हैं, चौड़ा वाला हिस्सा नीचे की तरफ और पतला वाला नोक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हमने जोड़ना होता है। तो अब ये हमारा दोनों आसन जुड़ चुका है म्याने के साथ में। अब हमने क्या करना है, दूसरा वाला पैर का हिस्सा रखना है। अब ऊपर से स्टार्ट करना है सिलते हुए, जहाँ तक हमने आसन लिया हुआ है म्याने के साथ में वहीं तक हमें दूसरा वाला पैर भी ज्वाइन कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से करना होगा। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा वाला साइड भी ज्वाइन कर लेना है। इसको भी हम फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं।
अब दूसरा वाला हिस्सा भी हमने ज्वाइन कर लिया है। तो अब क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, 3 इंच ऊपर हमने नेफा के लिया हुआ था। तो अब चलिए सबसे पहले नेफा बना लेते हैं। और इसमें मैं एक चीज और आप लोगों को बताऊंगी, सबसे इजीएस्ट तरीका गेटिस किस तरीके से यानी कि इलास्टिक किस तरीके से लगाते हैं। अब 3 इंच का हमको इस तरीके से कुछ फोल्ड करना होगा ऊपर की तरफ से, जिसमें हम इलास्टिक का यूज करने वाले हैं। तो फटाफट हमको इसमें सीधी से सिलाई लगाना है, कपड़े को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए इसमें पूरी सिलाई राउंड के शेप में लगा कर लेना है। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से राउंड शेप में सिलाई करते हुए जाना है, ध्यान रहे सिलाई का भी। और गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। और वहाँ पे भी नई नई चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ, तो जो भी करना चाहो फॉलो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारे फ्रंट का हिस्सा आसन का होता है नेफे का, वहाँ से हमको 1.5 इंच का हिस्सा छोड़ देना होता है, क्योंकि अब यहीं से हम इलास्टिक को अंदर की तरफ नेफे के अंदर डालना होता है। अब ये है हमारी इलास्टिक, आपको अपने कमर का हिस्सा ले लेना है। फिर उसके बाद में एक साइड में कुछ इस पिन को लगाना होगा लॉक करके, फिर इसको अंदर अब मैं पूरी इलास्टिक इसके अंदर डाल करके दूसरे साइड से इलास्टिक को निकालना होगा। दूसरा हिस्सा हमको पकड़ के रखना होगा, नहीं तो फिर ये भी दूसरा वाला हिस्सा भी अंदर की ओर चला जाएगा। तो अब मैं फटाफट इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए और खींचते हुए हमें ध्यान रखना है कि उधर साइड का कॉर्नर वाला हिस्सा भी अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को नेफे के अंदर कर दिया है। ये करने के बाद पिन को ओपन करना है, दोनों साइड से हमको इलास्टिक को बराबर रखना है, देख लेना है कहीं भी इलास्टिक हमारी फोल्ड तो नहीं हुई। अब ये करने के बाद में हमने आलपिन को निकाल के अब इसको सिलाई लगाना होगा इस पर। इसको जब लॉक कर देंगे, इसको लॉक हमें डबल या ट्रिपल कर लेना होता है, क्योंकि इलास्टिक थोड़ा सा खींचने वाली होती है तो ये खुलने का डर होता है, इसलिए हमको इसको 2 से 3 बार लॉक करना होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने इलास्टिक को लॉक कर दिया है सिलाई की हेल्प से। अब इसको क्या करना है, अंदर की ओर इसको करना है। करने के बाद में जहाँ से हमने इलास्टिक के लिए जगह छोड़ी थी उसको भी सिलाई लगा देनी है, ताकि जो हमारी इलास्टिक है कहीं से भी बाहर ना दिख पाए। तो इस पे हम सिलाई चला लेते हैं। अभी हमने सिलाई को लगा लिया है। ये लगाने के बाद में हमने क्या करना है, इलास्टिक को बीच से एक बार सिलाई लगाना है। अगर हम ये सिलाई लगा लेते हैं तो हमारी इलास्टिक जो है वो कहीं पे भी फोल्ड नहीं होगी। अदरवाइज अगर इसको नहीं आप सिलाई लगाते हो, जो आपकी ऊपर की इलास्टिक है वो क्या होती है, वो फोल्ड हो जाती है, तो फिर हमको वो पहनने में कम्फर्टेबल नहीं होता। इसलिए इलास्टिक को हमने बीच से लॉक करना होता है, सिलाई लगानी होती है, इससे कम्फर्ट हो जाता है हमारे लिए भी। तो मैं फटाफट इसको भी इलास्टिक लगा देती हूँ। फाइनली देखिए हमारी ये इलास्टिक लग चुकी है। लगने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हमारी इलास्टिक आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपने इस प्लाजो का बॉटम वाला हिस्सा फोल्ड करना होगा। सिंपल इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद में इसमें एक ही सिलाई हमें लगानी होगी, सीधी सिलाई का यहाँ पर भी हमें यूज करना है। अब फटाफट मैं दोनों हिस्सा इसमें सिलाई लगा लेती हूँ, दोनों पार्ट में प्लाजो के दोनों बॉटम के हिस्से में सिलाई लगा लेनी है हमें। तो अब ये हमारा जो बॉटम वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमने पूरा साइड तक लगा लिया है सिलाई। इस पर कोई भी पीको या फिर इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बॉटम पे इस तरीके से सिलाई भी लगा सकते हो। अब इसी तरीके से हमको दूसरा वाला साइड भी अपने प्लाजो का सिल लेना है, और ये हमने इसको सिल लिया है। सिलने के बाद में अब हमने अपने प्लाजो की फिटिंग दे देनी है। फिटिंग आपको जितनी रखनी है उतना ही, मैंने निशान आपको पहले ही बताया था, बस उस पर ही हमें सिलाई लगानी होगी। अब मैं यहाँ पर फटाफट सिलाई लगा लेती हूँ।
आप भी इस तरीके से सिलाई लगाना, और इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहा हो ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट सिलाई को लगा लेती हूँ ताकि आपको भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें मार्जिन आपको बहुत ही कम इसमें छोड़नी है क्योंकि ये लूज़ प्लाजो है, तो लूज़ प्लाजो के हिसाब से ही हमें मार्जिन छोड़नी होगी। जो भी आपकी फ़िटिंग का हिस्सा होगा 3 इंच माइनस करने के बाद में, वही आपकी फ़िटिंग का हिस्सा होता है। तो अब ये हमारी प्लाजो की जो फिटिंग है वो हो चुकी है, यहाँ पे हमने डबल लॉक कर लिया है। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके किस तरीके से ये आएगा। ये देखिए हमारा जो प्लाजो है इस तरीके से रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप लोगों को ये सबसे इजीएस्ट प्लाजो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।